खूंटी के डुगड़ा आम बगीचा में आयोजित किसान सम्मान समारोह में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के किसानों के लिए 50,000 तक का ऋण माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार की वजह से किसानों को 2016, 2017, 2018 फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों को पैसा दिया। अब हेमंत की सरकार की अगुवाई में किसानों का कर्ज माफी का सिलसिला आरंभ कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने खूंटी जिले के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि खूंटी के किसानों की आय दुगुनी करने के लिए जितनी जरूरत पड़े कृषि विभाग तैयार है। खूंटी को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाया जाएगा। खूंटी के किसानों का विकास होगा तो राज्य के अन्य जिलों के किसान अपने आप खूंटी के कृषि तकनीक को अपनाएंगे। कृषि मंत्री ने कृषि विभाग, नीड्स और गैर सरकारी बैंक द्वारा आयोजित कृषि मेला में किसानों द्वारा उगाए गए उन्नत पैदावार और उन्नत कृषि तकनीकों का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में तंवर के पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा, युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताविद प्रकाश सोनू इमरोज, जिलाध्यक्ष रामकृष्णा चौधरी, संयुम अंसारी, अमित शेखर, विकास गुप्ता और उम्मीद के कार्यकर्ता थे। खूंटी में सफल होंगे तो बगल का जिला का आदमी कहेगा खूंटी कर सकता है तो चैबासा क्यों नहीं कर सकता, सिमडेगा क्यों नहीं कर सकता, देवघर और दुमका क्यों नहीं कर सकता, वो तो समझ आएगा। लेकिन नाम खूंटी का होगा क्यों?